नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आसू रिएक्शन। और एक खबर जो 2 या 3 दिन से बड़ी वायरल हो रही है, जिसपे मैंने सोचा बात करनी चाहिए कि खबरें थी पठान में टाइगर की एंट्री हो रही है, टाइगर में पठान की एंट्री हो रही है। सबसे बड़ी खबर जो कि आग लगाई है रोहित शेट्टी ने सारे कॉप यूनिवर्स को मिला के। अब सुनने में ऐसा भी आया था कि यशराज एक अपना अलग ही स्पाई यूनिवर्स बना रहा है, जिसमें कबीर भी होंगे, टाइगर भी होंगे, पठान भी होंगे। तो दो चीजें तो कंफर्म है कि टाइगर में पठान का कैमियो है और पठान में टाइगर का कैमियो है, ये चीज तो कंफर्म हो गई। लेकिन अटकलें ये भी थी कि पठान में टाइगर का कैमियो होगा, साथ में कबीर भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब पठान एक बहुत ही ग्रैंड मूवी बनने जा रही है। और शाहरुख खान की यही एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि उसका दौर कैसा भी चलता रहे, कुछ भी होता रहे, वो बंदा रीमेक की तरफ नहीं भागता है। वो साउथ की या किसी भी तरह की रीमेक नहीं करना चाहता, स्पेशली साउथ की वो रीमेक नहीं करना चाहता। यही एक चीज पॉजिटिव लगती है, इसी वजह से मैं उसको थोड़ा बहुत पसंद करता हूँ। हालांकि मैंने आपको बता के रखा ही है, मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो है कि मैं किसी भी खान की मूवी थिएटर्स में देखने नहीं जाता हूँ, लेकिन एक ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है शाहरुख खान में कि वो कभी रीमेक की तरफ नहीं भागता। तो पठान एक अलग ही लेवल की मूवी बन रही है, उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। उसमें जॉन अब्राहम का भी रोल है और बहुत तगड़ा रोल बताया जा रहा है। उसमें टाइगर की भी एंट्री हो चुकी है और भी काफी सरप्राइज एलिमेंट्स हैं उसको, मुझे उतना पता नहीं है क्योंकि अभी बहुत दूर है पठान। जब उसका जोर जोर स्टार्ट होगा, जब हाइप बनना स्टार्ट होगी, अभी बनी है हाइप, जो एक सेपरेट फैन बेस है SRK का, सलमान भाई का, उनमें हाइप बनी हुई है, लेकिन जो ग्लोबल हाइप बनेगी उस टाइम पे बात करेंगे। तो पठान एक अलग मूवी होने वाली है और टाइगर 3 जो आने वाली है उसमें भी पठान का कैमियो होगा, उसमें इमरान हाशमी आपको देखने को मिलेंगे। तो खबरें ये थी कि कबीर जो वॉर वाले कबीर हैं वो आपको पठान में देखने को मिलेंगे। मतलब पठान में टाइगर भी होंगे, जॉन अब्राहम एज अ विलेन होंगे, दीपिका पादुकोण होंगी और शायद से एक कोई कोई और सरप्राइज एलिमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कबीर देखने को मिलेंगे, जिसको नकार दिया है सिद्धार्थ आनंद ने और ऋतिक रोशन ने कि वो अभी ये स्पाई यूनिवर्स जो है वो ज्वाइन नहीं करना चाहते, ये वो ज्वाइन करेंगे वॉर 2 के बाद। ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है और ऐसी अटकलें थी कि मतलब पठान में आपको कबीर भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी खबरें जो है वो सिरे से खारिज कर दी गई हैं। वॉर 2 जब आएगी, जब वॉर 2 लेके आएंगे सिद्धार्थ आनंद, जिसमें कबीर देखने को मिलेंगे, फिर एक तरीके से एक स्पाई यूनिवर्स बन जाएगा। फिर आपको आगे चल के ये तीनों की जोड़ी एक साथ देखने को मिल सकती है। बिलीव करिए, जिस दिन ये इन तीनों की जोड़ी स्क्रीन पर आएगी, जितने भी रिकॉर्ड है ना, जितने भी रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आप मेरी बात मार्क कर लीजिए। सुनने में यह भी आ रहा है कि पठान और टाइगर 3 के बाद एक मूवी ऐसराज प्लान कर रहा है जिसमें सलमान भाई और शाहरुख भाई दोनों ही होंगे। मतलब पठान और टाइगर दोनों देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद 2 या 3 साल आप मान के चलिए 2025 तक हमें इन तीनों की जोड़ी कबीर, पठान, टाइगर एक साथ स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे और स्क्रीन फट जाएगी, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे, ये बात मान के चलिए। अभी फिलहाल के लिए अपडेट है कि अभी सिर्फ टाइगर में आपको पठान देखने को मिलेंगे, पठान में टाइगर देखने को मिलेंगे, कबीर का कोई हलचल नहीं है, कबीर आएंगे वॉर 2 के बाद। तो आप कैसी लगी अपडेट हमें जरूर से बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ताज़ा अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो में। जय हिंद।